मुस्कान जी बहुत बड़ा सांप है ये तो। इधर ही देखो हमारे टेंट में केकड़ा आ गया करेंगे। और मजे की बात तो ये है एकदम पेड़ वेड़ भी एकदम है। थोड़ा और रात को कैसे रुकेंगे हम बना रहे हैं मैं टेस्टी दाल बहुत टेस्टी बनी है बड़ा तुरंत नींद आ जाएगी। गुड नाइट गाइस। तूने वो आवाज सुनी तो मुझे बाजू वाले टेंट में जाने भी डर लग रहा है। आवाज सुनो थोड़ी मजाक के तो मत कर करो आप प्लीज। आप लोग के टेंट के अंदर था एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस मैं गाड़ी चला रही हूँ और हमारे यूट्यूब पे ये जो हमारा व्लॉग है इसमें हम करने वाले हैं बीच जंगल में जाके अपना टेंट लगा के कैंपिंग करने वाले हैं हम लोग। पिछले बारिश में हम लोग बाइक से लोनावला गए थे तो इस बारिश में हमने कुछ अलग एडवेंचर सोचा है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, डर भी लग रहा है, तो देखते हैं पूरा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कैसे हम सब करेंगे, खाएंगे पिएंगे हर चीज़ हम जंगल में करेंगे। और मज़े की बात तो ये है एक पोर्टेबल स्विमिंग पूल भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होगा। ज्यादा अंदर है ना तो अपने को कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा क्लीन है ना और यहाँ पे क्या एकदम पेड़ वेड़ भी एकदम ऐसे नहीं है कि कुछ भी ठीक है तो अपने को दिख सकता है पर वो बहुत अंदर हो जाएगा वो साइड में। ये होता है मुस्कान शर्मा के ब्लॉग में धक्का मारेगा खड्डा हो गया पूरा। तो गाइस हमने इतना पत्थर डाल दिया अब ट्राई करते हैं देखते हैं हो गया कैम पता नहीं। मैं कोशिश करती हूँ सब अच्छे से पता नहीं ऐसे क्यों होता है भगवान क्यों। गाइस हमारी गाड़ी निकल चुकी है आ जाओ भाग के आओ। सुबह 4 बजे से हम लोग निकले हुए हैं और गाड़ी वजन की वजह से क्योंकि बहुत सारा सामान है गाड़ी वजन की वजह आया ना आ जाओ तुम इधर लगा दो। हमने सोचा है गाड़ी जैसे आपने देखा अंदर दब रही थी आगे बढ़ नहीं रही थी क्योंकि मानसून का टाइम है तो मट्टी वो गीली है तो गाड़ी अंदर जा रही है तो आयान को हमने सोचा है कि हम लोग यहीं पर ही लगते हैं हम यहीं पर ही अपना टेंट लगाते हैं और आगे नहीं जाते हैं तो हम लोग यहीं से ही करते हैं और फटाफट टेंट लगाते दीदी वरना पूरा सामान निकाल। हमारे पास 2 टेंट है और हम दोनों टेंट लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 टेंट की तैयारी करते हैं। 1 टेंट लगाने में हमको लगेंगे 2 लोग। अच्छा हमारा बन गया है तो टेंट के ऊपर हमने कवरिंग डाली कि बारिश हो तो अंदर तक बारिश ना इसलिए डबल कवरिंग है ये। यार और इनका आगे आओ थोड़ा और तो अभी पानी भरना है इसमें तो मैं झरने से बाल्टी में भर भर के हम सब नॉट ओनली मैं पानी लेके आएंगे और इसमें भरेंगे। बहुत मेहनत है कम से कम 50 राउंड तो मारना पड़ेगा लेकिन मजा आएगा। हाँ।
अरे अरे क्या हुआ, कैप्चर नहीं हो पाया। एक ही नहीं आया यार। अभी सिमरन जी आप जाओ। खाना बनेगा मैगी। देखो पहले के नीचे आरुष हट वहां से। कितना बड़ा था? उसने सिर्फ पूंछ देखा। पूंछ देखा, रंग तो गया, इसके अंदर गया हो सकता है। हाँ गाइस, हमारे पूल के नीचे एक सांप है छोटा सा। कहाँ है भाई, इसको निकाल। अंदर गया। भाई साहब मेरे हाथ से लंबा है वो। मुस्कान जी बहुत बड़ा सांप है ये तो, ये काफी बड़ा है। मैं साइड में जाती हूँ। No रात में रुक रही भाई, गाड़ी में ना कुछ अपने देखती नहीं। मुझे तीनों चारों जन थैंक यू बोलो, अगर मैं देखती नहीं तुम्हारे बम पे जब डसता ना वो तो बराबर पता चलता। भाई देखो गाड़ी के अंदर ना चले जाए भाई, फटाफट बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। पैर पे निशान भी है, कैसे करेंगे रात को, कैसे रुकेंगे, देखते कुछ जुगाड़ करते हैं। मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद बहुत ज्यादा जंगल के अंदर आ गए हैं। बिकॉज वो सांप देख के मेरे को अभी भी, मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत बड़ी बात है, मुझे डर लग रहा है। पता है वो गाड़ी के नीचे गया है, पता नहीं यार। पता है बारिश का सोच के आई थी, कर जब बारिश भी नहीं हो रही है। भगवान प्लीज भोलेनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे। चलो हम बना रहे हैं। मैं गलत बात है, हम लोग मैगी बना रहे हैं, तुम लोग को मैगी नहीं खिलाऊंगी मैं। बारिश आएगा इसको अंदर कैसे करेंगे, तो भुट्टा बनाएंगे। गाइस मैगी बन रही, मैगी बनते बनते हम एक रील शूट करें तो देखो कैसे शूट कर रहे हैं। हमारा मैगी खा के हो गया, और मैगी के बाद हमें ठंडा ठंडा छास पीना है, तो छास वहां रखा है, हम छास पियेंगे। हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और अभी हम लोग फ्रेश हो रहे हैं, मतलब कपड़े चेंज करे, बिकॉज पूरा भीग गए हम लोग, तो आराम से फ्रेश होते हैं। सोच रही थोड़ा सा दो तीन घंटा सोते हैं, बट डर भी लग रहा है। हम सब सो गए थे, अब भी उठे हैं, शाम हो गई है। मैं और आरुष उठ गए हैं, सिमरन अंजू अयान सो रहे हैं अभी भी। गाइस उठो, मच्छर बहुत अंदर, मच्छर ना चले जाए, बंद कर देती हूँ। गाइस उठो ना यार प्लीज, पकौड़ा खाते हैं, पकौड़ा। अब बेसन डालती हूँ, पानी डालती हूँ, प्याज डालती हूँ। दीदी मच्छर के लिए है ना अपने पास? गाइस हमारे पास ये वाली लाइट है, थोड़ा पूरा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और जल्दी जल्दी। हाँ।
भजिया का सामान। अरे बाबा यहाँ पे मच्छर बहुत है, काम करते हैं टेंट के अंदर बना लेते। हाँ दीदी मच्छर तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि हम टेंट के अंदर बैठ के बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारा मच्छी मक्खी यहाँ पे और डर बहुत लग रहा है। क्या कर रहे हो यार? गाइस पकोड़ा बना रहे हैं, अंदर बैठ के बनाएंगे, मक्खी बहुत काट रहा है। टेंट के अंदर? हाँ आ जाओ खाओगे आप? हाँ आ जाओ टेंट के अंदर बैठ के बैठे। सुबह से बारिश का वेट किया, अब रात को बारिश हो रही है, बट पता है कुछ भी नहीं दिख रहा है। पता है अच्छा उन्होंने स्टैंड लेके आया लाइट के लिए। देखो भजिया बनाते हैं, चाय बनाते बस। भजिया में क्या थोड़ी सी हरी मिर्ची भी। कुछ भी बोलो बट भजिया भी बहुत टेस्टी है, चाय भी बहुत टेस्टी है। मेरी चाय कौन सी है? जंगलों में बैठ के जो शायरी करे, समझे वो घर वालों से सताया। हमारी लाइट्स की बैटरी खत्म हो रही है, अंदर वाली लाइट तो बंद हो गई, तो हमारे पास दो लाइट और बची हुई है। देखते हैं पूरी रात वो कब तक चलती है, बिकॉज हम लोग टोटल चार लाइट लाए थे। शराबी बना दिया कि शराब पीना सिखा दिया, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करो पीना सिखा दिया। दाल में ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो गई है, दाल बन गया है, चावल बन गया है, बट हम लोग ज्यादा सब्जी वब्जी बनाते तो बहुत ज्यादा हो जाता, नहीं हो पाता, इसलिए हमने बेसिक खाना रखा है, दाल चावल। हाँ होता है भाई। मैं आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूंगी खाना कैसे बनाए, प्लीज आओ। ये छोटू छोटू गाइस कैसा बना? बहुत अच्छा बना है, मुझे अचार दे दो ना। अचार दे रहा हूँ, टेस्टी दाल बहुत टेस्टी बनी। बहुत टेस्टी। फाइनली सुबह देता थक गए, अब आ चुका है सोने का टाइम, रात के बज रहे हैं शायद डेढ़ या दो, तो अभी हम सोते हैं, मिलते हैं सुबह। बस बारिश हो जाएगी, इतना ज्यादा थक गए ना, मतलब तुरंत नींद आ जाएगी। आप लोग के पास है ना पिल्लो? हाँ हो जाएगा। आप लोग तीन लोग, हम लोग दो लोग आराम से सोएंगे। गुड नाइट। कुछ नहीं कर सकते भाई, डर तो। हवा तो चल नहीं रहा है, बट अलग अलग जानवर की आवाज आ रही है। ए ऐसा मत करो गाइस, डर लग रहा है जानवर। तो गाइस अभी हम सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। कल सुबह मिलते हैं गाइस, बहुत मजा आ रहा है। आरुष और अयान एक में सो रहे हैं, मैं अंजू और सिमरन हम लोग एक में सो रहे हैं। ये एक्चुअली चद्दर हम लोग ओढ़ने के हिसाब से लेके आए थे, बट गर्मी इतनी है, बारिश भी नहीं है,
गर्मी बहुत लगेगी इसमें, बट हम खोल के भी नहीं सो सकते, वी कांट टेक द रिस्क, तो गर्मी में थोड़ा मैनेज करेंगे सोने का। गुड नाइट गाइस। आवाज कहाँ से आ रही है? ये बारिश हो रही है। अयान बस्कर गधा। गाइज व्हाट इज दिस, प्लीज डराओ मत, चुपचाप सो, नहीं तो रात को उठ के मैं सबको डराऊंगी। गर्मी बहुत लग रही है, क्या करे गाइज, बारिश भी नहीं हो रही है। कीड़े का डर है, कीड़ा ना। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही, गर्मी भी लग रही है। मुझे तो आ रही है, सो जाओ। सिमरन गर्मी लग रही है, हार्ट यार। देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। ये रेड लाइट है, बंद नहीं करते कि कर देते हैं। नहीं कीड़े, नहीं प्लीज लाइट बंद करो, आग पे लगती है कीड़े यार। गाइज मुझे नींद नहीं आ रही है और एक आवाज मैंने सुनी, मुझे डर लग रहा है सिमरन अंजना तो सो गए। जागी हूं मैं इधर। तूने वो आवाज सुनी? क्या करें? कुछ कर सकते, पता है मुझे बाजू वाले टेंट में जाने भी डर लग रहा है। जी सोच मत, जितना सोचे कि जो सोती नहीं है सुबह सुबह तक, और देखो वो कैसे सो रही है। कर रहा है एक घूसा मार के। जागी तू? यस मैं जागी। तूने सुनी वो आवाज? नहीं पर मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे लगा तुम लोग सो गए। क्या करूं गर्मी लग रही। क्या सुना तुम लोग ने? ये क्या था? कुछ नहीं, बंद कर दे भाई पूरा। ए, इतना रखो कि अगर इनके लिए इमरजेंसी छोड़ के भागना है तो मुझे दिखे जिप। मुझे जिप नहीं दिखाई दे, मुझे कुछ गाइस इतना जोर से मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि अगर कोई जानवर हुआ तो सुन लेगा आसपास। गाइस चुपचाप सो जाओ। बोल बोल। आरुष अयान तुम लोग हो क्या? मजाक है तो मत कर करो आप प्लीज, प्लीज मत करो यार, डर लग रहा है, ऐसे मत करो। ये देखिए 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 आरुष, आरुष है, आरुष है ये। आरुष एक तो इतना झाड़ जैसा लंबा है, शर्म कर ले थोड़ा तो। तुम लोग इतने देर गए, पहले गए सोने, तुम लोग को नींद नहीं आई क्या? नींद नहीं आ रही। तो तुम लोग थे जो ऊपर से कूद रहे थे क्या? तो हमारा नींद खराब करने लगे। धीरे धीरे बारिश हो रही है। अरे गाइस यार आरुष निकल, चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल चल। कुछ काम कर, क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, उठ जाओ। बारिश हो रही है सुबह सुबह। ये मैं दिन में अभी से सोने से लेके अभी तक मैं फोर्थ टाइम में उठ चुकी हूँ वापस। बारिश अंदर आ रही है, बार बार हमारी नींद खराब हो रही थी। उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, बारिश आ रही है, हमारा टाइम जाऊंगा। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा प्यारा नज़ारा है और उठते हम। आ जाओ गाइस, पूरा फॉग हो गया ऊपर। हाँ पूरा फॉग हो रहा है, बारिश आता। तो सब लोग उठ गए, बस एक बंदा नहीं उठा है, वो है आयन। आयन भाई उठो यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है कि नहीं? वो भी पानी घोंसले जैसा बाल लग रहा है। तो गाइस अभी फटाफट ब्रश करते हैं। मुस्कान जी नाश्ता क्या बना रहे हो? नाश्ते में है चाय, सैंडविच, मैगी, दूध, ब्रेड, बटर। बस करो, जंगल में इतनी वैरायटी मिलेगी। सिगड़ी बना रहा हूँ, सिगड़ी बनेगा।
हाँ उसमें आ गया। भगवान इतने अच्छे, एक्चुअली जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जब तक हमारा खाना बना हमने खाया तब तक बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जैसे ही हमारा खाके हुआ तब हुई है बारिश। वही तो मतलब गर्मी तो लग रही है, पर भगवान शायद वो चीज सब हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो वक्त आ चुका है इस जंगल को हम छोड़ के जाने वाले हैं कुछ समय में। यहाँ पे पैकिंग शुरू हो चुकी है। अरे तुम तो भुट्टा ही का भाई, तुम्हारे लोग का मेकअप हुआ कि नहीं? ऑलमोस्ट पूरा हो गया, हमने साड़ी पहन ली सबने, और सबने सिंगल सिंगल कलर साड़ी पहनी, ऑरेंज येलो ब्लू। और साड़ी पहनने में काफी दिक्कत हुई बट फिर भी हमने मैनेज किया। हमने जंगल में वैसे तो कोई है नहीं, हमने आयान और आरुष को बोला प्लीज तुम लोग थोड़ा दूर चले जाओ ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो हमने साड़ी पहन ली, मेकअप हो गया, अब हम थोड़ी वीडियोस बनाएंगे। करना है चलो। 2 घंटे मेकअप करने में लगाए इन लोगों ने और मेकअप होते ही गायब हो गए। देखो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। आयन भाई एक बार में उतर जाना चाहिए, इंशाल्लाह। देख के आ जाओ, वहाँ वो लोग रील बना रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। चलो अभी हम पानी खाली कर देते हैं फटफट क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। आरुष केकड़ा है इसके अंदर। क्या बात कर रहे हो? देखो, अरे बाप रे, जाओ निकालो। कैसे निकालो भाई? तो गाइस हमारे टेंट में केकड़ा अभी जस्ट, अच्छा मैं देख लिया ऊपर ही था कि तरह देखो हमारे टेंट में केकड़ा आ गया। भाई काटना नहीं बुद्धि भाई, ये लो, बहुत बड़ा यार। क्योंकि तेरी लकड़ा लेके आओ लकड़ा। अच्छा ये लोग सोए नहीं थे, मेकअप नहीं कर रहे थे, काटता सबका मेकअप उधर जाता। भाई जरा अपने टेंट के अंदर केकड़ा था, अपने टेंट के अंदर ये देखो, आप लोग के टेंट के अंदर था। हाँ, 3-4 घंटे तब बचा हुआ था, भीगूंगा नहीं। स्विमिंग पूल का पानी खाली करने के चक्कर में आयन मैंने मुझे भिगा दिया। कितनी गलत बात है ना, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। वो देखो लो अभी रील एडिक्ट। चलो गाइस जल्दी बैठो। तो हमारा कैंपिंग यहीं तक था, लेकिन यहाँ व्लॉग में नहीं खत्म कर रही हूँ। हमें एक जगह जाना है करजत में जहाँ मेरे भाई ने बताया था, तो वो जगह पे पहुंच के मैं व्लॉग एंड करूंगी और आपको बताऊंगी भी। चलो ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को हम लोग आ गए थे और बहुत ज्यादा थक गए थे तो सो गए थे। तो हम लोग घर इसीलिए नहीं गए बिकॉज मेरे भाई ने बताया था कि उनके एक फ्रेंड का यहाँ पे प्लॉट्स है बहुत सारे, क्योंकि ऐसी जगहों पे रहने का बारिश में बहुत मन करता है। तो हमने सोचा है कि हम भी एक प्लॉट लेके अपना खुद का विला खड़ा करें। तो हमने 2 प्लॉट देखे हैं, एक है विक्टोरिया हिल्स जो फुटहिल्स पे है और एक है कल्चर डायरीज। तो अभी फिलहाल मैं विक्टोरिया हिल्स पे हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्चर डायरीज मुझे ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि एकदम माउंटेन पूरा फॉग हो गया वहाँ पर हमारा। होपफुली ड्रीम बंगलो बनेगा तो बहुत मजा आएगा। तो लोकेशन भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने देखा है। तो आई जस्ट नीड योर बेस्ट विशेस एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और हम लोग ऐसे और भी बहुत सारे कैंपिंग करते रहेंगे और होपफुली मे बी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर आपको हमारे खुद के बंगलों का ब्लॉग दिखाएंगे।